अगर भैया आपका शमशेरा मूवी देखने का प्लान है तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ डरों के बारे में कि ये चीज़ें मूवी के अंदर होने वाली हैं और ये चीज़ें ना हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी ना हो, ये हमें गलत प्रूफ करते हैं, बस हम यही चाहते हैं। तो हम भैया एक एक करके बात करते हैं, हमें कौन कौन से डर हैं इससे। तो भैया पहले इंट्रो आ जाने दो, सबर रखो, आ जा भाई, आ जा यार। पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के। भैया सबसे पहला मेरा डर है संजय दत्त को लेकर। भैया कोई मेडिवल ईरा की कोई मूवी हो या फिर एंशेंट ईरा की कोई मूवी हो, तो आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि संजय दत्त तो फिक्स हो गए हैं कि भैया इनके बिना तो विलन बन ही नहीं सकता कोई, या फिर कोई साइड कैरेक्टर बन ही नहीं सकता। आप देखिए इनके कितने काम बेकार रहे हैं, आप देखिए आप पानीपत देख लीजिए, पृथ्वीराज देख लीजिए, यार कोई भी किसी में भी काम इनका अप टू द मार्क नहीं था संजय दत्त साहब का। उन्होंने इनको ले तो लिया है, बस इनसे वही काम न करवाएं जो इन्होंने हम जिन्होंने इन्होंने जो है भैया पृथ्वीराज में दिया था या फिर पानीपत में दिया था। ये एक बढ़िया विलन का एक निकल के आए, ऐसे विलन निकल के आए जिसे हम थिएटर के बाहर निकल के याद रखें। से लेकर मेरे को बहुत बड़ा डर है कि ये अपना बस रोल को पोर्ट्रे अच्छा करें, डायरेक्टर ने इनसे अच्छा काम निकलवाया हो, बस वो पानीपत और भैया वैसा काम निकाल के न दें, बस वह चूतिया ना बना दें ऑडियंस को, बस मैं ये चाहता हूँ। दूसरा डर है भैया मेरा हृदय परिवर्तन का। आप समझिए कि इसमें संजय दत्त एज अ विलन दिखा रहे हैं, ठीक है वो है ब्रिटिश ऑफिसर, लेकिन है तो भाई साहब इंडियन ही। वो कहते हैं ना पुरानी कहावत है कि भैया जो घुटना होता है ना घोटू हवाया बोलते हैं इनको गोड़, तो जो गोड़ होता है ना वो भैया झुकता तो मुड़ता तो अपने पेट की तरफ ही है ना, भले वो ब्रिटिश ऑफिसर है लेकिन है तो इंडियन। तो ऐसा ना हो कि एंड में जाके उनका हृदय परिवर्तन कर दिया जाए और भैया वो रणवीर कपूर के साथ भैया वो मिल के जो है ब्रिटिश वालों को मारे, ऐसा चूतियापा हमें देखना नहीं है। ये जो चलता था भैया अमरेश पुरी के जमाने में चलता था, आज के टाइम पे मत करना, लौड़े लग जाएंगे ऑडियंस के, भाई साहब ऑडियंस को चूतिया मत बनाना, बस यही उम्मीद है, ये मेरा सबसे बड़ा डर है। आप मेरे को भैया गलत प्रूफ कर देना इस बारे में। भैया अगर कोई विलन सेटअप होता है ना, अगर कोई विलन सेटअप होता है तो उसका हृदय परिवर्तन मत करवाओ एंड में। मुझे थॉर द लव एंड थंडर सबसे चूतिया मूवी इसीलिए लगी क्योंकि एंड में हृदय परिवर्तन कराएगा विलन का। अब बहनचोद विलन है, या तो मारेगा या मरेगा, भाई वो अच्छा है नहीं, वो तो विलन है, हमने माना थैनोस था, या तो मारेगा या मरेगा, एंड में उसने करके माना जो वो चाहता था, समझ रहा। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ जैसे अधीरा का कैरेक्टर था, अधीरा विलन था, उसने या तो मारा या मरा, ऐसे ही इसमें होना चाहिए। इसमें हृदय परिवर्तन नहीं देखना है अपन को, ये विलन है या तो ये तो मारे या फिर खत्म हो जाए, ऐसा विलन सेटअप करो, बकचोदी मत करो। जो भैया मेरा तीसरा पॉइंट है ना वो है फीमेल लीड एक्ट्रेस को लेकर, मतलब के वाणी कपूर को लेकर। इनको सिर्फ एक नाचने वाली और रोमांस करने वाली लुगाई बना के ना रखने, बस यही मेरा सबसे बड़ा डर है। जब तक साइड कैरेक्टर या लीड फीमेल एक्टर एक्ट्रेसेस का जब तक काम नहीं होता ना अच्छा खासा, तो मूवी चलती नहीं है, आप बात को समझिए। तो मैं चाहता हूँ कि इनको डेप्थ मिले, बट उससे भी डरा बहनचोद मेरा डर जो है ना वो ये है कि वाणी कपूर थोड़ी एक्टिंग कर लें ढंग की, ठीक है बाकियों से तो मुझे पता है बढ़िया एक्टिंग हो जाए, वाणी कपूर थोड़ी एक्टिंग बढ़िया कर लें, स्क्रीन पे आएंगी बस अपने बोल्ड पने को दिखाने के अलावा थोड़ी एक्टिंग में भी जान डाल देंगी तो भैया तड़का लग जाएगा। चौथा भैया जो मेरा डर है वो है ट्विस्ट ना होना। बात समझ में आई, अगर नहीं आई तो मैं समझाता हूँ, रुको एक सेकंड। इन्होंने क्या किया, डबल रोल जो था ना इसको ये छुपा सकते थे, इनकी मूवी के लिए एक्सपेक्टर साबित हो सकता था, लेकिन उन्होंने ट्रेलर में ही रिवील कर दिया। मुझे नहीं पता, देखो मेकर्स की चॉइस है कि वो भाई क्या दिखाना चाहते हैं ट्रेलर में, क्या नहीं दिखाना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ये जो डबल रोल का कंसेप्ट था ना इसको अगर ये ट्रेलर के अंदर छुपा के रखते, मूवी के लिए बचा के रखते तो एक बहुत एक्सपेक्टर निकल सकता था, थिएटर से बाहर ऑडियंस निकलती तो उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि डबल रोल होगा, और वो देखते तो भाई साहब वो ऐसे चौंक जाते कि बहन जो डबल रोल है। तो आपने सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील कर दिया, अब ऐसा ना हो कि मूवी के अंदर कोई ट्विस्ट ही ना हो, बस सिंपल सी स्टोरी ना निकल के आ जाए कि भैया उसका वो जो उसका बाप था वो डकैत था, उसका लौंडा आया, उसने भी अपनी टीम बना ली, फिर उसको भैया उसकी देशभक्ति जाग गई, और देशभक्ति जाग गई तो फिर वो ब्रिटिश वालों को कूटने लगा और उसने एंड में विलन से फाइट कर ली, यही स्टोरी बन के ना रह जाए भैया, कोई ट्विस्ट टर्न देखने को मिले। पांचवा जो डर है भैया मेरा है वो मेकअप से रिलेटेड। आप बोलोगे बहन जो ये क्या बात कर रहा है मेकअप से रिलेटेड, हाँ भैया मेकअप से रिलेटेड। आपको पता है ये मूवी 1871 में, आप समझ रहे हो इतनी पुराने मतलब एरा में जो है ये सेटअप है, उस टाइम पे मेकअप थे, लेकिन यहाँ पे वाणी कपूर का मेकअप देख लोगे ना आंखें चुंधिया जाएंगी, टॉर्च मारती है टॉर्च, भाई क्या है ये। तो बहन जो मतलब आज के जो आप मेकअप प्रोडक्ट्स 150 साल पुरानी बहन जो मूवी में यूज कर रहे हैं, इतनी रंग रौनक होती है क्या है, पुताई कर दी एकदम पुताई,
तो भैया ये मेकअप में थोड़ा रियलिस्टिक पना हो, बस मैं ये चाहता हूँ। ऐसा ना हो वो आइटम नंबर सॉन्ग हो रहे हैं भैया, हर तरह के रेंजो हरियाबो हो रखी है, चमक दमक हो रखी है। भाई उस टाइम पे आपसे मैं पूछता हूँ कि उस टाइम पे चमक दमक थी? आप बता दीजिए कि इंडिया के अंदर इतनी चमक दमक थी उस टाइम पे? लाइटें नहीं थी भाई साहब, लाइटें तो बहुत दूर की बात है चमक दमक तो। तो वो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो चमक दमक इतनी ना दिखाएं, उस एरा के हिसाब से हमें रियलिस्टिक चीज़ें दिखाएं। अपने डर है जो है शमशेरा मूवी से रिलीज से पहले के हैं, जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप एक भी पॉइंट से सहमत हो तो भैया लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो करने में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए भैया टाटा और बाय बाय। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भी।